तो दोस्तों मैं हूं आपका और शाहुल, नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामा एमटी 15 वर्जन 2 की। मैं बात करता हूं, जैसे आप लोग देख रहे हो कि भाई ये जो बाइक है ये दोबारा लॉन्च होगी, जैसे कि अभी वर्जन 1 में, अब होगी वर्जन 2 में। तो बात करते हैं ऐसी क्या क्या चीज़ें आने वाली है जिसके लिए लोग भाई बहुत ज़्यादा वेटिंग है। और एक चीज़ मैं आप लोग को और क्लियर कर देता हूँ, जो जो लोग यामा एमटी वर्जन 1 लेना चाह रहे हैं वो लोग भाई, उन लोगों को मैंने अभी पता करता शोरूम में, तो शोरूम में जो है ये बाइक अभी अवेलेबल नहीं हो रही है। मैं अगर बात करता हूँ नोएडा के अंदर की, मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने काफ़ी शोरूम्स में पता करा, और हालांकि मैंने दिल्ली के शोरूम्स में भी पता करा, तो वहाँ पे जो है वो यामा की एमटी 15 का वर्जन 1 यानी जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है वो वर्जन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या करा है यामा ने, अपनी एमटी 15 के ऊपर थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया है। तो शायद लगता है कि यार यामा जो है अपनी एमटी 15 के अंदर जो अमाउंट बढ़ा रही है वो हो सकता है कि वो वर्जन 2 का ही हो। तो चलो बात करते हैं ऐसी क्या क्या चीज़ें आने वाली है इस बाइक के लिए जिसके लिए भाई बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे हो। पर्सनली मैं भी बताऊं तो भाई मैं भी इस बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ वेट। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको जो इंडिकेटर्स मिलेंगे वो आपको फुली LED इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं। पहले में के देखा जाए तो हैलोजन थे, लेकिन अब क्या है, अब इस बाइक के अंदर LED इंडिकेटर्स आने वाले हैं। टेल लाइट की बात करते तो भाई सही बताऊं तो यार मुझे इस बाइक की टेल लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। टेल लाइट फुली LED इसके अंदर मिलने वाली है। और लुक टेल लाइट की बात करते तो सेम टेल लाइट आपको इसमें ही मिलेगी जो आपको वर्जन 1 में मिल रही है, वही सेम टेल लाइट आपको एमटी वर्जन 2 में भी मिलेगी। बैटरी की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 12 वॉट की बैटरी मिल जाएगी। और वहीं पे अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS और जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा वो मिलेगा आपको 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। टेल लाइट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वो आपको फुली LED टेल लाइट मिल जाएगी। और वहीं पर इस बाइक का जो कर्व वेट होने वाला है वो आपको मिलेगा 138 kg का कर्व वेट मिल जाएगा। यानी इस बाइक का जो कर्व वेट है भाई, अगर देखा जाए ना तो भाई यामा की जो वो कहते हैं पावर टू वेट रेशियो वो बहुत बेहतरीन है। तो वेट के मामले में नो डाउट बहुत अच्छा इस बाइक का कर्व वेट है। काफ़ी लाइट वेट मशीन है ये। एक 150 सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अदर ब्रांड्स को देखूँ तो उसमें क्या है, कर्व वेट 155 cc के 160 cc से कंपेयर करा जाए या 150 cc से भी कंपेयर करा जाए तो कर्व वेट ज़्यादा निकलता है, लेकिन इस बाइक का जो कर्व वेट है वो काफ़ी अच्छा है। 138 kg का कर्व वेट आपको इस बाइक में मिल जाएगा। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के पेट्रोल टैंक के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस के बारे में, तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको जो विड्थ मिलेगी वो आपको 800 mm की विड्थ मिल जाएगी, और वहीं पे इस बाइक की जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1070 mm की हाइट आपको इस बाइक में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की बहुत ज़्यादा अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में मिल जाएगी। बात करिए तो दोस्तों इस बाइक की लेंथ के बारे में, तो वो मिलेगी 2020 mm की आपको इस बाइक के अंदर लेंथ मिल जाएगी, और व्हील बेस जो मिलेगा वो मिलेगा 1335 mm का व्हील बेस इस बाइक में मिल जाएगा। व्हील बेस की बात करो तो व्हील बेस दोस्तों इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, और अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन सेम वही रहने वाला है जो इसके अंदर अभी एमटी में आ रहा है, सेम वही अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन इस बाइक में रहने वाला है। बात करी जाए तो इस बाइक की दोस्तों सबसे खास चीज़ जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है इस बाइक के टायर्स। तो इस बाइक के अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाएगा, और साथ के साथ में आपको ट्यूबलेस टायर भी इस बाइक के अंदर मिल जाएगा। फ्रंट व्हील साइज़ की बात करूँ तो वो मिलेगा 431.8 mm का फ्रंट व्हील साइज़ होगा, और जो रियल व्हील साइज़ मिलेगा वो मिलेगा 431.8 mm का रियल व्हील साइज़ में मिल जाएगा। यानी फ्रंट व्हील और रियल व्हील का साइज़ बिल्कुल सेम है, तो यार आप लोगों को पता है पावर और ये सब बिल्कुल बेहतरीन रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के टायर्स के बारे में, तो जो फ्रंट टायर मिलेगा वो आपको मिलेगा दोस्तों 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा, और जो रियल टायर मिलेगा काफ़ी हाईलाइटेड फीचर है ये, रियल टायर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 140/70 का रियल टायर मिल जाएगा विथ 17 inches के अलॉय व्हील्स के साथ। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको जो सस्पेंशन मिलने वाला है तो वो मिलेंगे, सबसे मेन चीज इस बाइक के अंदर आपको USD सस्पेंशन मिल जाएंगे, यानी अपसाइड डाउन वाले सस्पेंशन मिल जाएंगे। ये वही सस्पेंशन है जो आपको यामा R15 वर्जन 4 के अंदर मिल रहे हैं। डेल्टा बॉक्स की आपको इसके अंदर चेचिस मिल जाएगी, और वहीं पे इस बाइक के अंदर रियल के अंदर मोनोशोक सस्पेंशन इस बाइक में मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी नेश पॉइंट के बारे में, नेश पॉइंट जो है इस बाइक का सबसे खास जो मेरे को पर्सनली पसंद आता है वो आता है दोस्तों इस बाइक का फीचर। मतलब अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर जो इंजन गार्ड लगाया जाएगा वो आपको स्टील का मिलेगा,
यानी पहले जो प्लास्टिक का आता था वो अब क्या, वो आपको इसके अंदर स्टील का मिलेगा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि यार जब बंदा ऑफ रोडिंग कर रहा होता है तो ऑफ रोडिंग करते टाइम पे क्या है, आपको जो इंजन है वो काफ़ी मतलब बेहतरीन मिलना चाहिए। तो मतलब इंजन गार्ड जो है वो काफ़ी बेहतरीन मिले। पहले क्या था, इसमें प्लास्टिक का आ रहा था, वो भी नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर्सनली मेरे दोस्त के पास अभी MT15 ही है, वो कह रहा भाई ग्राउंड क्लियरेंस इतने इसका बेहतरीन है तो यार टच होने का कोई चांस भी नहीं बनता है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो एकदम बेहतरीन वाला ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा। डुअल डिस्क में आपको ये जो बाइक है वो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर इंजन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक BS6 वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा, मैक्सिमम टॉर्क जो निकालेगा वो निकालेगा 14.2 Nm एट द रेट 7,500 RPM पर। BS6 का आपको इस बाइक के अंदर इंजन मिल जाएगा और जो बोर मिलेगा 58mm का बोर मिलेगा और जो स्ट्रोक मिलेगा 58.7mm का स्ट्रोक आपको दोस्तों इस बाइक में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है, ओरिंग वाली चैन ड्राइव आपको इसमें मिल जाएगी। और वहीं पे अगर बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 4-वॉल का इंजन मिल जाएगा, पेट्रोल इसमें कोई भी डलवाओ। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि इस बाइक के अंदर अगर आप स्पीड का पेट्रोल डलवाओगे तो स्पीड का जो पेट्रोल होगा ना वो काफ़ी बेहतरीन रहता है इस बाइक के लिए पेट्रोल, क्योंकि पर्सनली मैंने अपने दोस्त के लिए भी, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त के पास भी है, तो भाई वो स्पीड का पेट्रोल इस गाड़ी के अंदर डलवाता है। भाई पेट्रोल के मामले में गाड़ी, इसकी गाड़ी, मेरे दोस्त की जो गाड़ी है आराम से 55 तक का माइलेज निकाल के देती है। माइलेज के मामले में बात करें तो भाई एक नंबर माइलेज निकालते। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो स्पीड का पेट्रोल होता है वो इंजन में भी काफ़ी रिफाइनमेंट लेकर आता है, क्योंकि भाई मुझे तो पर्सनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के थोड़े से फीचर्स के बारे में जो कि है भाई बहुत खास वाले। तो इस बाइक के अंदर आपको जो मीटर कंसोल मिलेगा, मीटर कंसोल दोस्तों आपको सेम इसके अंदर वही मिलने वाला है जो मीटर कंसोल आपको R15 Version 4 के अंदर मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा एडवांस मीटर मिलेगा, क्योंकि प्राइस अब जो है ये ऑन रोड जो अराउंड प्राइस के बारे में बताऊंगा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के मीटर के बारे में। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको RPM मीटर Trip 1, Trip 2 आपको इसके अंदर मिल जाएगा। वहीं पे आपको इसके अंदर स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा। अगली चीज़ की बात कर सर्विस रिमाइंडर लाइट भी मिल जाएगी और इंडिकेटर्स जो मुझे पर्सनली पसंद है, इंडिकेटर्स की जो आपको इंडिकेट मिलेंगे वो आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे आप बहुत सारी बाइक्स में देखते होगे कि एक जगह पर सिंगल लगा दिया गया और उसी में राइट लेफ्ट एक ही बताता है, तो यार ये चीज़ तो देखो मेरे लिए तो भाई पर्सनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई गाड़ी का कौन सा इंडिकेटर है वो वर्क कर रहा है। बात कर जाए तो दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का जो मीटर कंसोल है, तो दोस्तों मीटर कंसोल के मामले में देखा जाए तो यार मीटर कंसोल, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मीटर कंसोल के मामले में भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और भी ज़्यादा एडवांस इसका मीटर कंसोल कर दिया गया है। तो मीटर कंसोल के अंदर जो आपको VVA टेक्नोलॉजी की लाइट ऊपर मिल जाएगी और वहीं पर साथ के साथ में इस बाइक के अंदर आपको RPM मीटर भी मिल जाएगा। साथ के साथ में बात कर जाए तो इस बाइक के अंदर आपको Lap 1, Lap 2 भी मिल जाएगा, यानी इसके अंदर आपको वो इको मोड और स्पीड मोड, यानी इको मोड और स्पीड मोड दोनों मिलेंगे। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो R15 Version 4 के अंदर क्या है भाई, बहुत ज़्यादा लोगों की अभी बता रहे थे कि यार कोई फ़र्क नहीं है इतना ज़्यादा, बस एक ये एक जगह पे जाके लिमिटर जो उनका 7,000 पे हो जाता, वो जो 10,000-12,000 तक पे जाती 13,000 तक पे जो लिमिटर जाता है वो लिमिटर 7,000 या 8,000 के ऊपर रुक जाता है। ये चीज़ तो खैर पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, क्यों, क्योंकि भाई जो लोग नए बंदे हैं, जो मतलब एक छोटे सेगमेंट से बड़े सेगमेंट की तरफ पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए ये बाइक सीखने के लिए बहुत अच्छी है। और ये चीज़ तो मैं जेन्युइनली बताऊं भाई, मैं मेरे पास अगर ये बाइक होती तो मैं तो इसको इको मोड पे चलाने वाला हूँ भाई। हम तो भाई माइलेज लवर है, हमें तो माइलेज चाहिए, और जब पावर चाहिए तो भाई स्पोर्ट्स मोड तो है, फिर तो इंजन पूरा खुल जाता बढ़िया तरीके वाला। बात कर लिया तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको अगली जो मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो मिलेगी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के अंदर इसमें क्या है, इसके अंदर आपको दोस्तों मीटर के अंदर ही, मीटर के साइड में आपको लाइट मिल जाएगी। जहाँ तक अभी तक न्यूज़ ये आ रही है कि इसके अंदर जो मीटर की लाइट आने वाली है वो इसको आपको मीटर की कह रहे हैं, जो ब्लूटूथ की लाइट आने वाली है, मतलब ब्लूटूथ की जो इंडिकेट आने वाला है वो आपको मीटर के अंदर ही मिलेगा। लेकिन मीटर के अंदर मिल जाए तो और बढ़िया वाली बात है। तो इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा ये, जैसे अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो कॉल आएगी तो डायरेक्ट आपको ये बता देगी, मीटर के अंदर ही बता देगी, कोई मैसेज आएगा तो वो भी आपको मीटर में बता देगा।
सर्विस रिमाइंडर की जो इसके अंदर लाइट के मल्टी डेटा की जो लाइट आएगी वो आपको अलग मिलेगी, अलग से इसके अंदर मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इस बाइक के अंदर भी आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएंगे, लेकिन अब इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यार गियर पोजीशन इंडिकेटर की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से ये मीटर के अंदर ही ये सब आने लग गया, तो न्यूट्रल ये सब आने लग गया, तो मेरे हिसाब से अब न्यूट्रल की अलग से लाइट की जगह पे कंपनी कोई और फंक्शन इसमें ऐड करते हैं। तो जो जो लोग इस बात पे एग्री है भाई, कमेंट बॉक्स खाली है, एक बार आप लोग बताना जरूर। तो दोस्तों इसके बारे में बात करी जाए तो इसके अंदर, हाँ अगर इसके बारे में बात करी जाए तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि इस बाइक के अंदर जो आपको लाइटिंग पोजीशन मिलेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बाइक की लाइट, आपको MT15 की लाइट्स पहले भी आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, अभी भी इसके अंदर सेम वही हेडलाइट आने वाली है। तो यार लाइट के मामले में लुक वाइज देखा जाए तो लुक वाइज चेंज नहीं आने वाला, फीचर ये बाइक जो है वो लोडेड हो जाएगी। और वहीं पर इसके अंदर आपको TDS भी मिल जाएगा, यानी ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर। तो और अब बता दें ये बाइक लॉन्च होने कब वाली है। तो दोस्तों ये जो बाइक है ये आपको अप्रैल की स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगी, यानी मार्च में लॉन्च हो जाएगी और शोरूम में आपको अप्रैल में मिल जाएगी। जैसे आप लोगों को पता है इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से जब भी BS6 या कोई भी अलग अपडेट आता है तो वो अप्रैल के बाद ही अपडेट आता है। अगर आप ये बाइक लेने का भी प्लान कर रहे हो तो भाई अप्रैल तक का रुक जाओ, अप्रैल के बाद ही ये जो बाइक है आपको शोरूम से मिल जाएगी और आपको अवेलेबल भी हो जाएगी। जैसे कि अभी MT version 1 की बात करें जाए तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक है ये आपको अप्रैल तक में मिल जाएगी, क्योंकि मेरे दोस्त अभी बुक करने गया था तो उसको भी अराउंड 1 month की टाइम लिमिट देखिए, 1 month के अंदर आपको आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो को लेंगे खराब, मेरे को चैनल है राव ब्लॉग्स चैनल करके उसको भी जाके जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।